गणपति बप्पा जी का फेवरेट फ्राइड मोदक उनके लिए जरूर बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज 54। आज हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, फटाफट से बन भी जाता है। तो कल के प्रसाद के लिए इस मोदक को जरूर ट्राई करें। रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। फ्राइड मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप नारियल का बुरादा। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो आप उसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, पर फ्रेश कोकोनट को थोड़ा सा ज्यादा पकाएं। मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है। अगर आपके पास घर पर मेजरिंग कप ना हो तो किसी एक छोटी सी कटोरी ले लें और उसी से सारा मेजरमेंट करके इंग्रेडिएंट्स को ले लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काजू का पाउडर। इससे इस स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम सारे चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आप फ्रेश कोकोनट ले रहे हैं तो कम से कम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर नारियल को भून लें। हल्का सा भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। यहाँ पर मैंने गाय का दूध यूज किया है, फुल क्रीम मिल्क। 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारा दूध जो है नारियल के बुरादे में अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इससे स्टफिंग में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। मिक्स कर देंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-3 बड़े चम्मच कूटा हुआ काजू बादाम और अखरोट। आप अपने पसंद सा कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। वापस हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अगले स्टेप में चलते हैं। मोदक के लिए हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है मिक्सिंग बोल और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप प्लेन आटा, 1/2 कप मैदा। मोदक में अगर आप आटा और मैदा मिक्स करके डालेंगे तो मोदक का ऊपर का जो लेयर है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। बिल्कुल जरा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोयन। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसे हम गरम करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसे गरम कर लिया है, थोड़ा सा सावधानी से डालें। अब हम इसे स्पैचुला या स्पून से मिक्स करेंगे। घी अभी बहुत गर्म है तो हाथों से बिल्कुल भी ना मिक्स करें। स्पून या स्पैचुला से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छी तरीके से मसल मसल कर मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक आटा तैयार करेंगे। जैसे कि हम पूरी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा, यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरीके से नीट कर लें। यहां पर मैंने मोदक के लिए डो बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें से बड़े साइज की लोइयां निकाल लेंगे। इसे हमें बेलना है जैसे हम पतली रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप चाहे तो छोटे छोटे साइज की लुया निकालकर पूरी के आकार में भी इसे बेल सकते हैं। थोड़ा सा हम सूखा मैदा या आटा छिड़क लेंगे और लोई को रखकर बिल्कुल पतला बेल लेंगे। यहां पर हम इसे बड़े साइज की रोटी के आकार में बेलेंगे और फिर कुकी कटर से छोटी छोटी सी पूरियां निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम कुकी कटर से छोटी छोटी सी पूरियां निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे और नेक्स्ट वाले बैच में हम इसका यूज करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको पूरी एक उठाकर दिखाती हूँ मैंने इसे कितना पतला बेला है। ये देखिए, सेम प्रोसेस से हम सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैंने काजू और किशमिश रखा है, ये ऑप्शनल है, और साथ में ये हमारा स्टफिंग नारियल वाला भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि एक पूरी को हाथ में लेंगे और इसमें से हम एक छोटा सा बॉल बना लेंगे नारियल का, ये देखिए नारियल के लड्डू जैसे। थोड़े से किशमिश या काजू वगैरह रख देंगे और फिर हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप बंद करते जाएं, फ्रिल्स की जैसे हमें इसमें बनाना है, और इसे इकट्ठे समेट कर बंद कर दें। ये देखिए ये एक मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले हम पूरी को लेंगे, नारियल का एक छोटा सा लड्डू जैसा इसमें डालेंगे, काजू या किशमिश रख देंगे और फिर इसके फ्रिल्स बनाकर हम इसे समेट कर बंद कर देंगे। अगर इसे बंद करते समय अच्छे से ये नहीं चिपक रहा हो तो एजेस में थोड़ा सा पानी लगा ले और उसके बाद आप इसे सील कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों और बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और मोदक बनाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए। यहाँ पर मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हुआ है या नहीं, छोटा सा मैदे का डो में से बॉल डाल के देखेंगे। ये ऊपर तैरने लगा है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्टली गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे मोदक इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। एक मिनट फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसे शफल करना स्टार्ट करेंगे, फ्लिप करते जाएंगे ताकि हर तरफ से मोदक हमारा अच्छे से फ्राई हो सके। यहाँ पे हमारा मोदक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए। यहाँ पर मैंने मोदक को प्लेट में सर्व कर लिया है। लग रहा है ना बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनता है दोस्तों। सिंपल सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें। इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। गणपति बप्पा जी के प्रसाद के लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें दोस्तों। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।